चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अब बात करते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अजीत जोगी का जो नया मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है उसमें बताया गया है कि पूर्व सीएम कोमा में है और उन्हें वेंटिलेटर के माध्यम से सांस ली जा रही है। अजीत जोगी के इलाज में 8 डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। बता दें कि सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें रायपुर के श्रीनारायण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। शनिवार शाम को जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया था कि आने वाले 48 से 72 घंटे उनके लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। हेल्थ टीम उन पर नजर रख रही है। इमली खाते हुए बीज उनकी सांस नली में फंस गया था जिसकी वजह से घर पर ही पहले उन्हें रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ जिसके बाद कार्डियक अरेस्ट हो गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑपरेट कर बीज सांस नली से बाहर निकाल लिया है लेकिन उनकी हालत अभी ठीक नहीं है। ऐसे में डॉक्टर्स उन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनकी स्थिति अति गंभीर बनी हुई है। वो है ब्रेन में कितनी इंजुरी हुई है क्योंकि जितनी देर उनको ऑक्सीजन नहीं मिली है उसके कारण ब्रेन में कितना चेंजेस आया है वो कल हम लोग विड्रॉ करेंगे 1 बजे सेडेशन वगैरह। उसके बाद फिर देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि मेंटल उनका और फिजिकल अलर्टनेस आया अच्छे से। तो कोमा में चले गए? हाँ, कोमा में ही है जी, डीप कोमा में। चलिए बात करते हैं अब कोरोना